हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी इजी। देखिए, 2021 में जितने भी अवार्ड एंड ऑनर मिले हैं अभी तक फिलहाल, तो उन सबको हम लोगों ने एक जगह असेंबल कर दिया है और आपके पास लाए हैं। ठीक है, तो ये जो भी अवार्ड एंड ऑनर हम करने जा रहे हैं क्लास, तो ये आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी हुए, आपके रेलवे हुआ या फिर बैंकिंग हुआ, उन सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चंस। तो हम शुरू करते हैं अपना क्लास। देखिए, पहला क्या है, हमारा पहला सवाल है, हु वॉज रिसेंटली अवार्डेड द अर्लिन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 अवार्ड। तो ये किसे मिला था? ये मिला है आपका गीता मित्तल जी को। ठीक है, देखिए, याद करने के लिए आप बस ऐसे सोच सकते हैं कि अगर अर्लिन है, ओके, अर्लिन को आप एयरलाइन सोच लीजिए। तो देखिए, जो एरोप्लेन होता है हमारा, वो किससे बना होता है? आपका मेटल से। ठीक है, तो अर्लिन और इधर मेटल। ठीक है, तो मेटल से क्या हो जाएगा? मित्तल आपको याद रहेगा ट्रिक करने के लिए। बढ़ते अगले के साथ। दूसरा है, हु वाज अवार्डेड द वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड 2021। ठीक है, तो ये किनको मिला है? ये मिला है, तो ये किनको मिला है? ये है डॉक्टर कृति कारंत। ओके, तो आप इसे ऐसे लाइक के या ऐसे कर लीजिए, टर यहाँ पे टी ओ आर, इनोवेटर में टी ओ आर लास्ट में है। ठीक है, और यहाँ नथ टी एच, कुछ ऐसे मिला के या लाइक के या प्लीज के विल बी इजी। ओके, बढ़ते अगले सवाल के साथ। अगला है, हु वाज रिसेंटली अवार्डेड जापान्स अवार्ड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ओके, तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जापान का किसको मिला है? तो ये मिला है श्यामला गणेशा को। ठीक है, तो देखिए, गणेश को मिला, श्यामला गणेश। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, लाइक जब हम सुबह में उठते हैं मॉर्निंग में, ओके, तो सुबह में उठते हैं तो हम क्या करते हैं? सुबह सुबह जय गणेश बोलते हैं। ठीक है, जय गणेश। देखिए, मॉर्निंग में क्या होता है? सनराइज होता है। ओके, और सनराइज होता है तो हम लोग सुबह उठ के क्या बोलते हैं? जय गणेश। तो देखिए, सनराइज के साथ आप गणेश याद रखिएगा, गणेश से हो जाएगा क्या? श्यामला गणेश। ठीक है, बढ़ते अगले के साथ। अगला है, हु हैज बिन अवार्डेड द इंटरनेशनल ENI अवार्ड फॉर 2020। तो ये किनको मिला है? ये मिला है CNR राव को। ओके, सो देखिए, ENI में और इधर CNR में, ओके, जो मिडिल वर्ड है दोनों NN है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लाइक ENI और CNR, मिडिल वर्ड दोनों टर्म जो है, मिडिल टर्म वो है N। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल के साथ। अगला है, विच इंडियन वाज ऑनर्ड विद द रडोल्फ फाइव स्लिंडर अवार्ड 2021। तो ये किनको मिला है? ये मिला है रेड्डी जी को। ठीक है, तो देखिए, उसमें आपने देखा है रडोल्फ, ओके, रडोल्फ, और क्या है साथ में यहाँ पे? रेड्डी। ओके, तो ये राइम वर्ड है ना, रडोल्फ रेड्डी। ठीक है, तो जहां पे आप रडोल्फ देखिएगा वहां रेड्डी देखिएगा, वहां पे आप टिक मार दीजिएगा। ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन याद नहीं करना है, सिर्फ सिर्फ यहाँ से रडोल्फ याद कीजिए, यहाँ से रेड्डी याद कीजिए। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल के साथ। अगला है, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द आइकन अवार्ड ऑफ एट द 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड। तो ये किनको मिला है? ये मिला है आपके सिंगर पिंक को। ठीक है, तो देखिए, इसे कैसे याद कर सकते हैं, लाइक इतना बड़ा अगर बिलबोर्ड किसी को म्यूजिक अवार्ड दे, किसी को भी, तो वो क्या हो जाए? खुशी से खिल उठेगा और उसके जो गाल होंगे कतई पिंक हो जाएंगे, गुलाबी हो जाएंगे खुशी से, इतना बड़ा अवार्ड मिला उसे। ठीक है, तो बिलबोर्ड का क्या हो जाएगा? खुशी से गुलाबी हो गया गाल, तो पिंक, तो जहां भी आप देखिएगा पिंक, ये रहा सिंगर पिंक। ठीक है, तो पहला ऑप्शन। अगले सवाल के साथ बढ़ते हैं, हु वाज अवार्डेड द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। तो ये किनको मिला है? ये मिला है साझी NMG को। ठीक है, तो देखिए, होता क्या, ऐसे आप याद कर सकते हो लाइक जबरदस्ती कि बायोलॉजिकल एरिया जो होता है, तो वहां पे अगर पानी होगा, ओके, तो थोड़ी नमी होगी वहां पे, है ना? तो देखिए, बायो और नमी, नमी से क्या हो गया? NM। ओके, तो देखिए, यहाँ नाम में NM कहाँ है? साझी NM ऑप्शन वन में। ओके, बढ़ते अगले सवाल के साथ। अगला है, हु वाज अवार्डेड द यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021। तो ये किनको मिला है? ये मिला है आपका मारिया रेसा जी को। ओके, देखिए, वर्ल्ड फ्रीडम अवार्ड क्या है, लाइक फ्रीडम किसे चाहिए? ओके, लाइक जहां पे भी अगर मान लीजिए कहीं दंगा फसाद हुआ, कहीं मारपीट हुआ, ओके, तो प्रेस वालों को क्या फ्रीडम है कि कहीं अगर मारपीट हो रहा है तो आप उसे लाइव दिखा सको,
ओके यही फ्रीडम मिला। तो देखिए प्रेस को फ्रीडम मिला है क्या चीज़ की, कहीं मारपीट हो तो आप दिखाने का। तो देखिए प्रेस और MAR से हो गया मार, तो मार देखिए किसमें है, ये रहा मारिया में। ओके देखिए मार, तो ऑप्शन वन आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फ्रीडम किसको मिला, लाइक वो दिखा सकते हैं कहीं मारपीट हो तो मार से हो गया मारिया रेसा, और ये किसको मिला, ये मिला आपका यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। बढ़ते अगले के साथ, तो हमारा अगला सवाल है ओके, हु वन दी लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टाइटल एट द लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021। तो ये किनको मिला है, ये मिला है राफेल नडल को। ठीक है, तो देखिए राफेल नडल कहाँ के, स्पेन में है, स्पेन के हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि लाइक राफेल नडल कहाँ के हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस है, तो इसका कोई ट्रिक अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ही फेमस है, आप पहले से पढ़े रखे होंगे या फिर पढ़ लीजिए, जरूरी है। तो देखिए ये तो स्पोर्ट्समैन है ओके, तो किसी स्पोर्ट्स वोमेन को भी मिला होगा ओके, तो स्पोर्ट्स वोमेन किनको मिला है, स्पोर्ट्स वोमेन में मिला है नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका ओके, ये है आपकी स्पोर्ट्स वोमेन। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल के साथ, हमारा अगला है हु वन दी बेस्ट एक्टर्स अवार्ड इन द शॉर्ट फिल्म कैटेगरी एट द रिसेंटली हेल्ड न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। तो ये किनको मिला है, ये मिला है अनुपम खेर जी को ओके, और ये किस मूवी के लिए मिला है शॉर्ट मूवी, तो हैप्पी बर्थडे ओके, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे के लिए इनको मिला है शॉर्ट मूवी के लिए। बढ़ते अगले सवाल के साथ, अगला सवाल है हु वाज अवार्डेड द वेटली अवार्ड 2021। तो ये किनको मिला है, ये है नुकलू फॉर्म को। अच्छा देखिए हम अपने दोस्त को जैसे बुलाते हैं ओके, सपोज दैट कि ऐसा अगर होता है कोई ट्रिक बता रहे कि आपने अपने दोस्त को बोला वेट रे ओके रुकने के लिए, तो ये क्या बोलता है, निकल ले ओके, लाइक जनरली बोलता है। देखिए इसने बोला वेट ले, ठीक है वेट रे, ये बोला निकल ले, तो ये देखिए आप निकल कहाँ पे है, नुकलू, और वेट से हो गया वेटली, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं निकल ले का आपका नुकलू फॉर्म। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल के साथ, अगला है हु वाज अवार्डेड द 15th सेक जायद बुक अवार्ड 2021 ओके, तो ये किनको मिला है, ये मिला है तहीरा कुतुबुद्दीन को, इनको तहीरा कुतुबुद्दीन जी को। और देखिए ये पहली ऐसी महिला है इंडिया की जिनको ये अवार्ड मिला है ओके, ये कहाँ की रहने वाली है, ये है मुंबई की रहने वाली ओके, और इन्होंने जो बुक लिखा है वो बुक कौन सा है, वो बुक है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फिक्शन ओके, अरेबिक ओरेशन ओके आर्ट एंड फिक्शन, एंड फिक्शन ये पूरा एक ही बुक का नाम है ओके। ठीक है, तो इस बुक के लिए इनको मिला है। बढ़ते अगले सवाल के साथ, अगला सवाल है विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली अनाउंस्ड द करीम अब्दुल जब्बर सोशल जस्टिस कैंपेन अवार्ड, चैंपियन अवार्ड सॉरी। सो ये किनको मिला, ये मिला है NBA को। ठीक है, फुल फॉर्म NBA का क्या हो गया, फुल फॉर्म है आपका नेशनल ओके, नेशनल बास्केटबॉल, ठीक है बास्केटबॉल एसोसिएशन ओके। बढ़ते अगले सवाल के साथ, अगला है हु वाज अवार्डेड द वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021। तो ये किनको मिला है, ये मिला है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड ओके। अच्छा देखिए लाइक इन्होंने क्या, एक सपोज कीजिए कि पूरे दुनिया का खाना ओके, पूरे वर्ल्ड के फूड को किसी ने हड़प लिया, ठीक है हड़प लिया, तो हड़प से क्या हो गया हरक, देखिए यहाँ पे हरक है ठीक है, वर्ल्ड फूड हड़प लिया तो हड़प से हो गया हरक, तो जहां पे आपका हरक कहाँ दिख रहा है, ये रहा आपका हरक यहाँ पे मिलता जुलता, तो आप ऑप्शन वन क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। अगले सवाल के साथ बढ़ते हैं, अगला सवाल है हु वाज क्राउंड एट द 69th मिस यूनिवर्स 2020। तो ये किनको मिला, ये मिला है एंड्रिया मेजा को। अच्छा देखिए अगर आप किसी लड़की को अगर क्राउन पहना दिया जाए ओके, तो क्या हो जाएगी, एकदम मजा आ जाएगा उसको, कतई खुश हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्राउन पहनाया गया, क्राउन से हो गया क्राउन, मजा से क्या हो गया मेजा, ठीक है तो ये हो गया एंड्रिया मेजा इसका सही आंसर, और ये कहाँ की है, ये मेक्सिको की रहने वाली है ओके। बढ़ते अगले सवाल के साथ, अगला है हु वाज अवार्डेड द 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड बाय स्पेन इन द सोशल साइंस कैटेगरी। तो ये किनको मिला है, ये मिला है अमृत्य सेन को। ठीक है, तो
अमर्त्य सेन में क्या है, लाइक ऑस्ट्रिया में ए आगे है, इधर भी आपका नाम में ए आगे है। तो देखिए अल्फाबेट दोनों जो सेम है स्टार्टिंग का, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है, हु हैज रिसेंटली बिन अवार्डेड विद द FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड। तो ये किनको मिला है, ये मिला है VK पांडियन को। ओके तो देखिए VK पांडियन जी क्या है, ये खुद एक IAS ऑफिसर है। ठीक है, और क्या है, ये उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ओके नवीन पटनायक जी। ठीक है, नवीन पटनायक, तो ये उनके प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ठीक है, इनके ये प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ठीक है, VK पांडियन जी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, लाइक प्रेसिडेंट में स्टार्टिंग में पी है और नाम में भी देखिए पांडे जी है। ठीक है, तो पी पी सेम हो गया। और सपोज कर लीजिए लाइक जो पंडित जी होते हैं शादी वादी में क्या होता है, लाइक पंडित जी जो शादी करवाते हैं उनको हम लोग प्रेसिडेंट की तरह ट्रीट करते हैं, वो जो बोलते हैं हम ला देते हैं फटाक से उनके लिए। ठीक है, तो आप ऐसे सपोज कीजिए लाइक प्रेसिडेंट हम लोग किसको बनाएंगे, पांडे जी को बनाएंगे। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल के साथ। अगला है, हु वाज अवार्डेड द मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये किनको मिला है, ये डेविड कैलेनमैन और शंकर सुब्रमण्यम दोनों को मिला है। तो देखिए आपको इतना याद नहीं करना है, स्टार्टिंग क्या शंकर, ओके और डेविड। तो देखिए क्या होता है कि हमारा जो धरती है, ओके जो भी धरती है उसे कौन चला रहा है, शंकर भगवान चला रहे हैं सपोज दैट। ओके, तो शंकर जी क्या है, वो देवों के देव है। ठीक है, तो उनके पास ही इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है जो वो धरती को चला सकते हैं। तो ये जो मिलीनियम टेक्नोलॉजी है ये शंकर जी के पास है और वो देवों के देव है। तो देखिए शंकर और देव ये दोनों हो गए, ओके और हो गया मिलीनियम टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास है। तो आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं। और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने एक डीएनए में कुछ रिसर्च किया है। ओके, डीएनए से मिलता जुलता कुछ इन दोनों ने मिलकर रिसर्च किया, तो इसके लिए इनको मिला गया है। अगला सवाल है हमारा, विच इंडियन हैज बिन अवार्डेड द वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020। तो ये किनको मिला है, ये मिला है सुरेश मुकुंद जी को। तो देखिए क्या होता है, लाइक आप याद करने के लिए जो कोरियोग्राफर होते हैं, ओके वो क्या करते हैं, मुंह बहुत अच्छा बनाते हैं। ठीक है, जैसा आप उनको सुर दो उस हिसाब से वो मुंह बना देंगे, मस्त एकदम तैयार कर देंगे आपके लिए डांस स्टेप। ठीक है, तो कोरियोग्राफी से मुंह और सुर, तो देखिए मुंह और सुर कहाँ है आपका, सुरेश मुकुंद। कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी आप लोगों को पता ही होगा, जो डांस सिखाते हैं स्टेप सिखाते हैं, अगर आप उनको म्यूजिक दे दो तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके हमारा अगला सवाल है, हु वाज अवार्डेड द टेम्पलेटन अवार्ड 2021। ओके, तो ये किनको मिला है, ये मिला है डॉक्टर जेन गुडॉल को। देखिए ये जो नाम है टेम्पलेटन, इसमें आगे टेम्पल आ रहा है। देखिए टेम्पल में क्या होता है, टेम्पल में जो भी जाता है भला होता है सबका, तो भला से क्या हो गया गुड और सबका से हो गया ऑल, तो टेम्पल में भला होता है सबका गुड ऑल। तो देखिए गुड ऑल यहाँ पे है और ये टेम्पल, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, विच कंट्रीज हॉकी टीम वाज अवार्डेड द एटनी ग्लिचिट अवार्ड 2021 बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ओके, तो ये किसको मिला है, ये मिला है इंडिया को, इंडिया से आपको हॉकी याद ही होगा। ओके हॉकी, बढ़ते अगले सवाल के साथ, विच इंडियन सिटीजन्स वेयर रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस यूएन मेडल। तो ये किसको मिला है, ये ऑल ऑफ द एवम मतलब कॉर्पोरल युवराज सिंह जी को भी मिला है, आइवन माइकल पिकाडो को भी मिला है और मूलचंद यादव जी को भी मिला है। देखिए नाम में आपका वाई वाई और बीच में पी, वाई वाई पी, आप ऐसे इसे याद कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल के साथ। अगला है, हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021। तो ये रमेश पोखरियाल जी को मिला है। ओके, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, लाइक कोई बंदा था, ठीक है, तो वो अपने हाथ में मेडल लेके जा रहा था। ठीक है, तो अचानक बाहर उधर एक पोखर था, पोखर में क्या हुआ, मेडल गिर गया। ठीक है, तो क्या हो गया, गोल्ड मेडल जो था वो पोखर में गिर गया, तो उसे मिला भी नहीं, तो पोखर से हो गया रमेश पोखरियाल और मेडल से हो गया आपका गोल्ड मेडल। ठीक है, अच्छा इनको क्यों मिला है, ये मिला है क्योंकि इन्होंने कुछ लिखा है बहुत ही अच्छा कुछ। ओके,
राइटिंग के लिए मिला है और आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए इनको मिला है, जो कि इन्होंने सोशल और ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ किया है। इस चीज के लिए रमेश पोखरियाल जी को मिला है। तो हमारा अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड टू गिव मनोज दास नेशनल लिटरेसी अवार्ड। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला है कि वो मनोज दास नेशनल लिटरेसी अवार्ड देना देंगे अवार्ड? तो ये उड़ीसा स्टेट ने अनाउंस किया है। ये आपका जो मनोज दास जी थे, उनके याद में इन्होंने ये अवार्ड देने का ऐलान किया है कि अब ये देना शुरू करेंगे ये अवार्ड। बढ़ते अगले सवाल के साथ। अगला सवाल है, विच इंस्टीट्यूशन वाज गिवन द ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021? तो ये किसको मिला? ये IREDA को। सो IREDA का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो देखिए यहाँ फुल फॉर्म में भी एनर्जी है और यहाँ पे नाम पे भी आपका एनर्जी है, दोनों राइम वर्ड सेम हो जाएगा और कहीं पे आपको एनर्जी दिख नहीं रहा होगा और कोई एनर्जी प्लांट है भी नहीं, तो IRDA इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते अगले सवाल के साथ। अगला सवाल है, हु हैज रिसेंटली बिन अवार्डेड द साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 बाय DRDO? तो DRDO के द्वारा किनको मिला है? ये मिला है हेमंत कुमार पांडे जी को। तो देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित जी को हम लोग हमेशा विद्वान ही मानते हैं, ठीक है? तो वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है, तो DRDO ने क्या किया कि पांडे जी को दे डाला। बढ़ते अगले सवाल के साथ। अगला क्या है, हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द प्रेस्टिजियस इंजीनियर अवार्ड 2020? तो ये किनको मिला है? ये मिला है विनोद कुमार यादव, VK यादव जी को। और देखिए VK यादव जी जो है ये आपका रेलवे का चेयरमैन भी रह चुके हैं, एंड CEO भी रह चुके हैं, ठीक है, रेलवे का। बढ़ते अगले सवाल के साथ। अगला है, हु वाज रिसेंटली कॉन्फर्ड द नेशनल तानसेन अवार्ड फॉर 2020? तो ये किनको मिला है? ये है पंडित सतीश व्यास को, ठीक है? तो देखिए तानसेन जी जब गाते थे, तो गाने से क्या होता है, गला सूखता है, गला सूखेगा तो क्या होगा, प्यास लगेगा, है ना? गला सूखेगा तो प्यास तो लगेगा ही, तो तानसेन जी गा रहे थे, उनको लग गया प्यास, तो व्यास हो गया इधर प्यास से व्यास, वेरी इजी। तो ये ऐसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, आप अगर आप खुद से बना सकते हैं कोई ट्रिक तो आप खुद से ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको आसानी हो, कंफर्टेबल आप फील करें वैसे आप बना सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, विच ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स हैज रिसेंटली वॉन द कायाकल्प अवार्ड? तो ये किसको मिला? ये एम्स भुवनेश्वर ने जीता है। एम्स भुवनेश्वर ने। बढ़ते अगले सवाल के साथ। अगला है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये किनको मिला? ये मिला है विश्वजीत चटर्जी जी को। तो इंडियन पर्सनैलिटी अवार्ड अगर वो जीत लिए हैं तो पूरा इंडिया को जीत लिए हैं, ऐसा आप सपोज कीजिए, पूरा इंडिया जीत लिए। देखिए जीत से क्या हुआ, जीत में देखिए नाम में भी विश्वजीत में जीत है, ठीक है, इंडिया वो जीत लिया या फिर अवार्ड वो जीत लिए हैं, तो क्या हो गया, विश्वजीत चटर्जी, ठीक है? देखिए इनका जो उम्र हो रहा है विश्वजीत चटर्जी जी का, ये 84 ईयर्स हो रहा है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मूवीज बनाए हैं, नाइट इन लंदन, नाइट इन लंदन, अप्रैल फूल, और 20 साल बाद, ये सब मूवीज में इन्होंने काम किया जो कि बहुत ही फेमस हुआ था। बढ़ते अगले सवाल के साथ। अगला है, विच स्टेट हैज रिसेंटली वॉन द नेशनल बेस्ट इलेक्ट्रल कंडक्ट अवार्ड 2020? तो ये किसको मिला? ये मिला है मेघालय को। बढ़ते अगले सवाल के साथ। अगला सवाल है, हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड इन द इंडिविजुअल कैटेगरी? तो ये किनको मिला? ये मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी जी को, ठीक है? अब देखो जहां पे कहीं डिजास्टर होता है, कहीं पे भी जब डिजास्टर होता है तो क्या होता है, वहां पे मलबों का भंडार हो जाता है ना, कतई एकदम ढेर सारे भंडार भर जाते हैं, है ना? तो देखिए भंडार से क्या होगा आपका, भंडारी, डिजास्टर से ही तो भंडार फैलता है एक जगह कहीं पे, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है? देखिए ये क्या है, ये जो अवार्ड दिया जाता है, तो जो ये जीतता है उसको एक 51 लाख का अनाउंस किया जाता है प्राइज। तो ये बढ़ते अगले सवाल के साथ।
Which news publisher recently won the चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड? तो ये किसको मिला? ये मिला है द हिंदू को. ओके, तो ये हिंदू को मिला है, लाइक हिंदू चैंपियन मिला है. बढ़ते अगले सवाल के साथ. हु वॉज रिसेंटली अवार्डेड द इंटरनेशनल चैंपियन ऑफ एंटी करप्शन अवार्ड? तो ये किनको मिला? ये मिला है अंजलि भारद्वाज जी को. ओके, अगला सवाल है हमारा. Who has been recently honored with साहित्य गौरव सम्मान? तो ये किनको मिला? ये मिला है रमेश पोखरियाल निशांक जी को. देखिए, जो इंसान गौरव वाला काम करते हैं, लाइक ठीक है, गौरव वाला काम जो करते हैं, तो वो क्या होता है कि इतिहास में, हिस्ट्री में अपना निशान छोड़ देते हैं, है ना, गौरव वाला काम. तो देखिए, गौरव वाला काम हुआ और अपना निशान छोड़ दिया, तो निशान से क्या हो गया? निशांक. और गौरव से क्या हो गया? आपका गौरव सम्मान. ठीक है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक के साथ. बढ़ते अगले सवाल के साथ. अगला है, हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द 17th रामेश्वरम हिंदी मैगजीन अवार्ड 2020? ओके, ये मिला है रवीश रंजन शुक्ला जी को. ओके, ठीक है. देखिए, रामेश्वरम श आ रहा है, लाइक प्रोनाउंसिएशन में श आ रहा है, ठीक है, स्वरम. ओके, यहाँ पे शुक्ला, ठीक है, आर आर एस, ठीक है. सो प्रोनाउंसिएशन के थ्रू आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं. ठीक है, अगला सवाल है हमारा. विच मूवी वॉज रिसेंटली अवार्डेड द बेस्ट मूवी एट द फिल्म फेयर अवार्ड 2020 सेरेमनी? तो ये किनको मिला? ये मिला है थप्पड़ को. ठीक है, लाइक इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वही मम्मी है, तो उसका उनका छोटा बेटा बोल रहा है कि मैं जाऊंगा मूवी देखने. मम्मी बोली, अभी इतने से हो मूवी देखने जाओगे? तो मम्मी ने मारा उसे थप्पड़. ठीक है, तो ये हो गया आपका थप्पड़. और थप्पड़ भी खा लिया बेचारा, मूवी देखने भी नहीं जा पाया, बड़ी दुख वाली बात है. बढ़ते, ठीक है, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं. बढ़ते अगले सवाल के साथ. अगला है, विच स्टेट गॉट द स्टेटस ऑफ मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट एट द रिसेंट नेशनल फिल्म अवार्ड 2021? तो ये किसको मिला है? सिक्किम को. ओके, सिक्किम को मिला है. ओके, इसका मुझे कोई ट्रिक नहीं समझ में आया, खुद से बना लीजिएगा. ठीक है, हमारा अगला सवाल है, हु वाज रिसेंटली कॉन्फर्ड द महाकवि कुंजाना नंबियार अवार्ड 2021? ओके, तो ये किनको मिला है? ये मिला है प्रभाव वर्मा जी को. ओके, तो देखिए, जो महान कवि होते हैं, है ना, जो महान कवि होते हैं, ओके, तो लोग प्रभु बोलते हैं. प्रभु, क्या आप लिखते हो, क्या तगड़ा लिखते हो. ठीक है, प्रभु जो तारीफ करते हैं भैया, उसको प्रभु ही तो बोल के तारीफ करते हैं. तो देखिए, जो बहुत ही मस्त महाकवि हैं, तो उसको लोग बोलते हैं प्रभु, भाई क्या लिखते हो यार, तुम प्रभु हो तुम. तो महाकवि और प्रभु आप ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ. ठीक है, बढ़ते अगले सवाल के साथ. अगला है, हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द हॉल ऑफ फेम अवार्ड एट द इंडियन टेलीविजन एकेडमी? सब कोई जानता है, हमेशा से जानता है, घर की सारी औरतें लड़कियां सब जानती है, लाइक एकता कपूर. एकता कपूर ही है जो सीरियल चला रही है इंडिया में. बढ़ते अगले सवाल के साथ. अगला है, हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द सिल्वर सलवार सम्मान ऑफ द ईयर 2020? ओके, तो देखिए, जो सलवार होता है, लाइक ठीक है, पानी में भीग गया तो गीला हो गया, तो गिल हो गया. ठीक है भाई लोग, गिल हो गया. तो पृथ्वी पाल गिल इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, सिल्वर सलवार सम्मान के लिए. ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ. अगला है, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसेंटली वॉन द वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड? ओके, तो ये बेंगलोर को मिला है. तो देखिए, लाइक वहाँ पे जो एयर आपका हवाई अड्डा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी कस्टमर वहाँ से उतरते हैं, ठीक है, तो ये जो सबसे अच्छा फीडबैक लेना और अच्छा फीडबैक जो दिया गया है, वो बेंगलोर को मिला है. ठीक है, हर एक कस्टमर से उन्होंने फीडबैक लिया और पूछा कैसा है. तो इस मामले में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे या फिर अच्छे थे, वो थे आपके बेंगलोर के एयरपोर्ट. बढ़ते अगले सवाल के साथ. अगला है, हु वाज रिसेंटली नेम्ड द बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर? ठीक है, तो किनको मिला है? ये मिला है रॉबर्ट इरविन को. रॉबर्ट इरविन को. तो हुआ क्या, लाइक देखिए, जो भी आज के कैमराज होते हैं DSLR, ओके, तो वो क्या होते हैं, वो ज़्यादातर तो रोबोटिक्स ही होते हैं, है ना. पहले के कैमराज में क्या होते थे, लाइक रील होता था, है ना, उस पर वो क्लिक होता जाता था, फिर उसे साफ करवाते थे, तब जाके हमारा फोटो बनता था, निकलवाते थे. अब क्या, DSLR हो गया, वो रोबोटिक्स है पूरी तरह से,
है ना, ऑटोमेटिक ऑटो कंट्रोल है एवरीथिंग। तो वहां से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अभी के कैमरे जो भी हैं वो बेस्ट हैं, इसीलिए फोटोग्राफर भी आज के बेस्ट बनते हैं। तो रोबोट, ठीक है, रोबोटिक होते हैं, तो रोबोट आप वहां से याद कर सकते हैं। अगला सवाल है, हु रिसेंटली वॉन दी VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 टाइटल। तो ये मिला है मनसा वरंसी को, ओके। और ये मनसा वरंसी जी कहाँ की है? ये है तेलंगाना की, ओके, तेलंगाना की है ये, ठीक है। तो देखिए, फेमिना मिस, एम से मिस, एम फॉर मनसा, ठीक है, सा सा कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा, मिस मनसा, तो तेलंगाना की ये मिस वरंसा वरंसी को, वरंसी जी को मिल गया है, ओके। पढ़ते अगले सवाल के साथ। अगला है, हु रिसेंटली वॉन दी VLCC फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 टाइटल, ओके। तो एक इनको मिला, ये मिला है मनिका शिको शियोकंद को, ओके। तो मनिका शियोकंद जी को ये मिला है VLCC का, इसका मेरे कोई ट्रिक नहीं बना मेरे पास, ठीक है, तो खुद से बना के याद कर लीजिए। तो हरियाणा, हरियाणा की है, रहने वाली है, ओके। ये कहाँ की है? हरियाणा की है। तो हमारा अगला सवाल है, हु रिसेंटली वॉन दी गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020। तो एक इनको मिला, ये मिला है मिहिर दलाल को। तो देखिए, बिजनेस कौन कर सकता है? जो किसी चीज में माहिर हो, है ना। तो देखिए, माहिर से क्या हो गया? मिहिर। और अगर बंदा माहिर है तो बिजनेस कर लेगा आराम से, ठीक है। तो ये किसको मिला है? मिहिर दलाल को मिला है गाजा कैपिटल बिजनेस बुक ऑफ द 2020, सॉरी 2020। इन्होंने जो बुक लिखा है, लाइक वो है दी अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी, ओके, दी अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी, ओके। फ्लिपकार्ट के बारे में कुछ लिखा, तो अच्छा कुछ लिखा होगा तो इनको प्राइज मिला। बढ़ते अगले सवाल के साथ। अगला है, रिसेंटली विच स्टेट्स पुलिस एकेडमी वॉन द बेस्ट पुलिस एकेडमी ऑनर इन द कंट्री। ठीक, इसको मिला, ये मिला है राजस्थान को, ओके। देखिए, पुलिस का बेस्ट अवार्ड मिला है, ओके। तो बेस्ट मतलब क्या हो गया? राजा हो गया भाई, बेस्ट है तो राजा ही है, ठीक है। तो राजा से आप कैसे याद कर सकते हैं? राजस्थान याद कर सकते हैं, बेस्ट को ही मिला पुलिस को, ठीक है। पढ़ते अगले सवाल के साथ। अगला है, रिसेंटली एक्साई जेंगली ऑफ विच कंट्री वाज अवार्डेड द नेम बैट वोमेन। तो ये चाइना को मिला है। इन्होंने कुछ जबरदस्त आविष्कार ढूंढा है, ओके, बैट्स और वायरस के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला चाइना का। देखिए, नाम से आपको लग जाएगा जी जेंगली, ओके, चाइनीज नाम, तो इसमें दिमाग ही नहीं लगाना ज्यादा। जहां आप जी जेंगली नाम सुनेंगे, आप अगर प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ जाइए चाइना का नाम है, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल के साथ। हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली विच कंट्रीज प्रेसिडेंट महामदाओ इसोफू वॉन अफ्रीकाज टॉप प्राइज। तो ये निगर को, ओके। बढ़ते अगले सवाल के साथ। अगला है, हु रिसेंटली वॉन दी 2020 इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवार्ड, ओके। ये मिला है रितिका चोपड़ा जी को, ओके। देखिए, प्रेस से अगर आप पंगा लोगे तो आपको काट डालेगा, ओके, काट डालेगा, काट कर देगा, लाइक चोप चोप कर देगा, काट के, है ना, छोटा छोटा चॉप कर देगा। तो चॉप से क्या हो गया आपका? चोपड़ा, ओके। तो रितिका चोपड़ा जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन फिल्म रिसेंटली वॉन द टाइगर अवार्ड एट द रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। द राइट आंसर इज कूजंगल, ओके। तो आप ऐसे ही से याद कर सकते हैं, लाइक टाइगर जो होता है वो जंगल में रहता है, ठीक है। तो जंगल में, देखिए, जंगल और यहाँ कूजंगल में ऐसा प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन के साथ। अगला है, विच फिल्म वॉज अवार्डेड द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म एट द रिसेंटली हेल्ड 14th इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस फिल्म फेस्टिवल, ओके। द राइट आंसर इज ऑप्शन टू, जैकी एंड ऑपजेन, ओके। बढ़ते अगले क्वेश्चन के साथ। वन इज, विच स्टेट तबलेव वॉन द बेस्ट तबलेव अवार्ड एट द पैराड हेल्ड इन दिल्ली ऑन रिपब्लिक डे 2021। द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिसेंटली बिन अवार्डेड
the Scotch Challenger Award for e-governance? The right answer is Arjun Munda, option 2. Okay, moving to next. Next question is, which ministry was recently awarded the Scotch Challenger Award 2021 for transparency in governance? The right answer is Ministry of Panchayati Raj. Okay, next question is, who recently won 2020 Public Dentist Award? The right answer is Dr. Vinay Bhardwaj. Okay, next question is, who was recently awarded the Mahavir Chakra of the year 2021? The right answer is Santosh Babu. Next question is, how many children were given the Prime Minister's National Children's Award for the year 2021? The right answer is option 2, 32. Okay, next question is, which cricketer recently won the Alan Border Medal? The right answer is Steve Smith, option 3. और आपको पता होगा ये फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव स्मिथ. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द नेशनल प्राणी मित्र अवार्ड 2021? द राइट आंसर इज मनीषा सक्सेना, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पुलिस वॉन द बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट ट्रॉफी 2021 टाइटल at this year's Republic Day Parade 2021? The right answer is Delhi Police. Okay, next question is, Sultan Qaboos bin Said Al Said of which country was conferred the Gandhi's Peace Prize for the year 2019? The right answer is Oman. Okay, next question is, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman of which country has been awarded the Gandhi Peace Prize for the year 2020? The right answer is Bangladesh, option 4 is the right answer. Next question is, recently which state's TB eradication program has been awarded the national honor? The right answer is Kerala, option 4. Next question is, who was recently honored with the Maharashtra Bhushan Award? तो ये किन को मिला है? ये है आस्था भोसले जी को मिला है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवार्डेड द WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर हिज एफर्ट्स इन तंबाकू कंट्रोल? तो ये किन को मिला है? डॉक्टर हर्षवर्धन को, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, डॉक्टर हर्षवर्धन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिसेंटली वॉन द इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? Right answer is both of the above, means Nitin Rakesh and Jerry Wind, both won the award. Next question is, International Booker Prize 2021 was given to, ये किनको मिला है? ये मिला है David Diop को. Okay, इन्होंने क्या एक novel लिखा था? At Night All Blood is Black. At Night All Blood is Black. Okay, इस book के लिए इनको मिला है. Next question is, who was recently named the Nature TTL Photographer of the Year 2021? The answer is Thomas Vijayan. देखिए याद करने के लिए आप कर सकते हैं, स्टार्टिंग में टी है, यहाँ पे TTL फोटोग्राफर एंड जो नाम है भाई का वो भी थॉमस टी है. अच्छा, इन्होंने जो फोटो क्लिक किया है तो उस फोटो का इन्होंने टाइटल दिया था, द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन. द वर्ल्ड इज गोइंग upside down. हो सकता है एग्जाम में पूछ दे किस फोटो के लिए मिला था उन्हें या फिर टाइटल क्या था उनके फोटो का, तो करके रखिएगा. बढ़ते अगले सवाल के साथ. अगला है, recently at the 67th National Film Award 2021, what a burial won the best national film award on environmental protection, which state's regional film? तो ये है अरुणाचल प्रदेश. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली वॉन the prestigious UN Award 2021 Land for Life? The answer is Family Forestry. Okay, option 1 is the right answer. Next question is, who was awarded the Lead Actor Award at the recently held BAFTA TV Award 2021? To ye kinko mila? Ye mila hai Paul Mescal ko. Okay, option 1 is the right answer. Next question is, who was given
the lead actress award at the recently held BAFTA TV award 2021. देखिए एक्ट्रेस के लिए किनको मिला है, ये मिला है माइकल कॉयल को. ओके अच्छा, इन्होंने जो बनाया था मूवी जिसके लिए इनको मिला है, तो वो नाम है आई मे डिस्ट्रॉय यू. ओके आई मे डिस्ट्रॉय यू, हो सकता है नाम पूछ ले, मे बी इसके लिए मिला है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसेंटली वॉन पेन पिंटर प्राइज 2021. राइट आंसर इज तसी तसी दंगर एम्बगा. ओके इनको मिला है, तो ये है कहाँ के, ये है जिम्बाब्वे के. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन एक्ट्रेस रिसेंटली वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021. द राइट आंसर इज ऑप्शन वन तिलोत्तमा शोम. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड. तो एक इनको मिला, ये मिला है आर एस सोधी को. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक इन द इंडिया लिस्ट. द राइट आंसर इज डीबीएस, दैट इज ऑप्शन टू. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज इन द ड्रामा कैटेगरी इन 2021. द राइट आंसर इज ऑप्शन वन द हॉट विंग किंग. ओके और इसे जरूर याद रखिएगा, ये 105th एडिशन था पुलित्जर प्राइज का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली प्रोफेसर ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैज वॉन एनएसजी अवार्ड फॉर ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट. द राइट आंसर इज आईआईटी रुड़की. तो ये प्रोफेसर का नाम क्या है, तो इनका नाम है शैलेश गोविंद. ओके शैलेश गोविंद और भी साथ में ये है गनपुले. ओके गनपुले लंबा नाम है इनका, एक ही नाम है ये पूरा. ठीक है मूविंग टू नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू कॉन्फर भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड एट द स्टेट लेवल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर. द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर असम. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन प्लेयर हैज बीन इंडक्टेड इन टू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम इन द ईयर 2021. द राइट आंसर इज वेनू मैनकर्ड. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was recently awarded the Distinguished European Investor Award 2021? The right answer is option 3, Sumita Mitra. Okay, moving to next. Next question is Who was recently awarded the Established CEU Open Society Prize 2021? The right answer is option 1, KK Shailaja. Okay, next question is Next question is, which state has recently won National Best Electoral Conduct Award 2020? The right answer is Meghalaya, option 3. Next question is, who was recently awarded America's highest honor, Legion of Merit? The right answer is option 2, Narendra Modi. Okay. Next question is, Keravi Global Energy and Environmental Leadership Award was given to Option 2, Narendra Modi. Next question is, who was awarded the National Federation of Film Achievers Award 2021? The right answer is option 2, Amitabh Bachchan. Next question is, who was recently awarded the Alert Bing Icon Award? The right answer is option 4, A.R. Rahman. Okay. Next question is, who was recently conferred the Mahatma Puraskar 2020? The right answer is option 1, Manish Sisodia. देखिए ये करेंट में भी क्या है, ये है चीफ डिप्टी मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. ओके दिल्ली के ये फिलहाल है. ओके नेक्स्ट रिसेंटली इसरत बानो ऑफ विच स्टेट वॉज ऑनर्ड विद द महिला कोविड वॉरियर हीरो अवार्ड. द राइट आंसर इज राजस्थान. ओके तो ये राजस्थान की है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the name of only Indian woman awarded with the Outstanding Model 2020 Award by Singapore Division recently? The right answer, Sweta Jha. Okay. Next question is, who was recently honored with the Real Superhero Award at the Mumbai Achievers Award 2020? The right answer is Sonu Sood. Next question is, who was recently named the most versatile actor of 2021? The right answer, KK Menon.
देखिए के मेनन जी का जो नाम है, ओके, ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड में भी आया था, मीन्स अनाउंस किया गया था, सेलेक्ट हुए थे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए, ओके। और इनका जो बेस्ट फिल्म है वो है तन्हा तानाजी, ओके। इस बार के बेस्ट एक्टर है अक्षय कुमार एंड बेस्ट एक्ट्रेस हैं वो दीपिका पादुकोण, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज रिसेंटली वॉन द ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड। द राइट आंसर इज सेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्टर वॉज अवार्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2019। द राइट आंसर इज रजनीकांत, ओके। एंड याद रखिएगा ये 51th, ओके, 51th दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, कभी कभी पूछ देता है कितने नंबर का है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज रिसेंटली अवार्डेड द ईटी अवार्ड्स 2020 अवार्ड, ओके। द राइट आंसर इज शक्तिकांता दास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज रिसेंटली अवार्डेड द कलिंगा रत्न अवार्ड 2020, ओके। राइट आंसर इज विश्वभूषण हरिचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द सरस्वती सम्मान ऑफ 2020। द राइट आंसर इज शरण कुमार लिम्बाले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द 31st व्यास सम्मान 2020। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 प्रोफेसर शरद पगारे, ओके।